आज हम आ चुके वापस एक और नई GTA की वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने ये प्यारा सा एक मेंशन खरीदा था, $50 मिलियन का ये मेंशन है। लेकिन हमारा दोस्त था इसलिए उसने हमें डिस्काउंट दिया, 25 मिलियन का दिया उसने हमें। लेकिन मैंने उससे और डिस्काउंट करवा के उसको 20 मिलियन का दिया है। तभी मैंने उसको 10 मिलियन की एडवांस पेमेंट कर दी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तो आज हम क्या कहते हैं, वही काम करने वाले हैं, पैसे हमने अपने बड़े ज़्यादा करने हैं। तो भाई, मुझे आज खबर मिली है कि फ्रैंकलिन अपने गाँव से वापस आ गया। तो आज हम अपने फ्रैंकलिन के साथ ही काम करेंगे, जो भी आज अपना करना है। तो अभी मैं फ्रैंकलिन को कॉल करूंगा और उससे बात करूंगा। भाई, मैंने वैसे ट्रेवर को भी फ़ोन किया था, लेकिन भाई ट्रेवर तो बोलने की हालत में ही नहीं है। कह रहा मैं बड़ा थका हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ, मैंने नहीं आना। तुम लोग जो मर्ज़ी करो, मैं थोड़े दिनों के बाद आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत बुखार चढ़ा हुआ है। वो लिबर्टी सिटी गया हुआ था, तो लिबर्टी सिटी से आने में बड़ा सफ़र है यार, 4 घंटों का फ्लाइट है। 4 घंटे के फ्लाइट में तो टाइम लगता है ना। फिर तो आज क्या कहते हैं, हम अपनी रॉबरी करने जाएंगे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बैंक में, क्या नाम था इसका, पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है लॉस सैंटोस का। तो आज हम उधर ही इसको रेड करने जा रहे हैं। और भाई, अभी मैं फ्रैंकलिन को कॉल करूँगा, भाई बड़े दिनों के बाद मैं उससे बात करने जा रहा हूँ आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रैंकलिन, की हाल चाल, ठीक ठाक? अबे यार, वालेकुम सलाम, क्या हाल है यार? मैं तो ठीक हूँ यार, बड़े ही दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। भाई, तू तो हमें भूल ही गया था, गांव जाके ना फ़ोन किया ना कुछ किया। अरे यार, तुझे पता है मेरे गांव में ना इंटरनेट है ना सिम का सिग्नल आते हैं, तो मैं कॉल कहाँ से करता, पागल समझे? मैं, मेरे पास राउटर लगा हुआ है मेरे साथ। अच्छा अच्छा, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। तो भाई, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, गाड़ी में करेंगे। वैसे सुना, क्या हाल है तेरा? यार सब कुछ ठीक यार, तू सुना? मैं भी ठीक ठाक यार। तो भाई, मैं भी तुझे लेने आ रहा हूँ कि तेरे पास अपनी गाड़ी है तो उसमें आ रहा है यार। मैं, तुझे पता है, मैंने जाने से पहले अपनी JDM की गाड़ियाँ मंगवाई थी जापान से। हाँ हाँ, तूने गाड़ियाँ मंगवाई थी? मैंने उसको मॉडिफाई करवाने के लिए लिबर्टी सिटी भेजी थी, लिबर्टी वॉक किट लगवानी थी मैंने वो उसके ऊपर, GTR में और सुपरा के ऊपर मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करानी थी। तो भाई, लॉस सैंटोस कस्टम वाले से पूछ रहे था इतना दूर क्यों भेजनी थी गाड़ी। अरे यार, मैंने उससे पूछा था, वो कह रहा था मेरे पास सुपरा का क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन नहीं है, और मेरे पास जो सा ये तुम्हारी GTR उसके पास उसका लिबर्टी किट यहाँ नहीं मिलता, स्टॉक ख़त्म हो गया, तो तुम्हें लिबर्टी सिटी ही में ही मिलेगा। और क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन किया था लिबर्टी सिटी वालों को, वो कह रहे थे आज पहुँच जाएगा, मैं कभी भी फ़ोन कर देंगे वो मुझे, कह तुम्हारी गाड़ी पहुँच गई। चलो कोई नहीं, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, फिर 10-15 मिनट में तेरे पास पहुँच जाऊँगा। चलना ठीक है यार, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने फ्रैंकलिन से बात कर ली है और वो कह रहा है आप लोग हमें लेने आओ, मतलब उसके पास गाड़ी नहीं है अभी कोई भी, तो अभी हम उससे लेने जाएंगे। और भाई, अभी मैं ज़रा क्या कहते हैं फ्रैंकलिन को लेने जा रहे हैं हम अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के अंदर, उस लैम्बोर्गिनी सियान नहीं, लैम्बोर्गिनी यूरस के अंदर। तभी हम जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस पे बैठते हैं। तो जी भाई, ये है हमारी गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी। अबे यार, ये भी उधर रेडियो बंद करो। हाँ, लैम्बोर्गिनी यूरस। और भाई, इंटीरियर तो हमेशा की तरह शशके मार रहा है सारी। अबे यार, मैंने पहले ही ठोक दी गाड़ी। अबे यार, क्या कर रहा हूँ मैं। चलो अभी हम जल्दी से यहाँ निकलते हैं और भाई फ्रैंकलिन को पकड़ के लाते हैं। तो गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच गया हूँ कहते पेट्रोल पंप में, और यहाँ से मैं अपना पेट्रोल पंप भरवाने वाला हूँ। और भाई, गाड़ी बड़ी तेज़ चला रहा हूँ मैं, बहुत तेज़ है गाड़ी यार। तो अभी हम अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, क्योंकि भाई हमने अपना पेट्रोल भरवाना है। तो अभी आ गया मैं अपने पेट्रोल स्टेशन में। भाई, 95 ऑक्टेन, जल्दी डाल भाई, जल्दी मुन्ने जल्दी डाल। लो जी, अभी हमने गाड़ी बंद की, चलो अभी स्टार्ट कर ली, हमारी फ्यूल भर गया। तो अभी मुझे क्या कहते हैं अपनी, उसने GPS पर लोकेशन भेज दी है फ्रैंकलिन ने, तभी हम वही जाने लगे हैं, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस, अभी मैं उस जगह के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ जहाँ पर फ्रैंकलिन है, और वहाँ से हम उसको लेके निकलते हैं सीधा बाहर। तो उसने कहा था यहाँ पर ही मैं कहीं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो क्या कहते हैं आया था ग्रोसरीज लेने। तो अभी यहाँ पर कहाँ है भाई फ्रैंकलिन? आई थे वो खड़ा है फ्रैंकलिन, मुझे नज़र आ गया। ओ भाई फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन इधर आ भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रैंकलिन, क्या हाल है यार? अबे यार माइकल, बिल्कुल ठीक ठाक भाई यार, क्या गाड़ी है तेरी, बड़ी शशके मार रही है भाई, वाह गोल्ड की है बाहर से। भाई, ये मैंने कल ही निकलवाई थी लैम्बोर्गिनी यूरस, मतलब एक हफ्ता हो गया तकरीबन इसको निकाले हुए। लैम्बोर्गिनी यूरस है, फास्टेस्ट SUV इन द वर्ल्ड, गोल्ड प्लेटेड करवाई है। यार तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? भाई, तुझे पता है हमारे काम का भाई बड़ा पैसा है हमारे पास। तभी हम जल्दी से निकलते हैं भाई, तभी हम जल्दी से निकलते हैं मेरे घर की तरफ। अरे यार, सबर सबर सबर, क्या हुआ भाई? यार अभी मुझे लिबर्टी सिटी से कॉल आई थी, उन्होंने कहा था आपकी गाड़ी ना लॉस सैंटोस पर पहुंच गई है, उन्होंने मुझे ना GPS में लोकेशन भेजी है, तो मैं तुझे वो भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर चल, मेरी वहाँ पर GTR और सुपरा पहुँच गई है। चल ठीक है फिर भाई, निकलते हैं वहाँ पर, लेकिन मेरी लैम्बोर्गिनी यूरस यार तू उधर ही खड़ी कर दी भाई, बाद में ले जाई। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो अभी मैं वहाँ चलता हूँ, दे मुझे लोकेशन, भेज दी अपना GPS चेक कर।
ओके अभी मैं अपना जीपीएस चेक कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास आ गई है लोकेशन। हाँ यही जाना है, लगा ले इसको लोकेशन लगा ले। भाई मैं पहुंच गया हूँ फ्रैंकलिन तेरी लोकेशन के पास। कहाँ पर है वो? सामने देख रहा है पार्किंग, वहाँ पर ही है। तो भाई मेरे पुराने घर के पास। पुराना घर? हाँ मैंने नया घर खरीदा है ना, मेरा पुराना घर वो सामने है। भाई कब? तू तो था ही गाँव में, तू ना मेरा फोन उठाता था ना कुछ करता था। अच्छा, तो यार यहाँ पर ऊपर चढ़ा दे गाड़ी, यहाँ पर मिल जाएगी हमारी गाड़ी, यहाँ पर ही कह रहे खड़ी होंगी। चल ठीक है मैं ऊपर ले जाता हूँ, जैसी तेरी मर्जी। ओ भाई ये है तेरी गाड़ी, ये सुप्रा काली वाली और पीली वाली सेट जीटीआर मेरी है, बाकी वो पता नहीं जीटीआर किसी और की है। ओ भाई बड़ी प्यारी गाड़ी है तेरे पास। अरे यार मैंने भाई बहुत पैसा लगवाया है इसके ऊपर, ये जापान से इंपोर्ट करवाई है दोनों गाड़ियाँ मैंने। भाई मतलब अभी जीटीआर लेके चलते हैं ना तेरी, बाद में मैं तेरा एक काम कर दूंगा, तेरे ये सुपरा और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस अपने घर की तरफ ले जाऊंगा, बाद में तुझे डिलीवर कर दूंगा। कोई मसला नहीं यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चल आ जा फिर गाड़ी में बैठते हैं। बैठ जा फ्रैंकलिन, आ रहा हूँ सब्र कर ले। हाँ भाई अब चल तू अपने घर की तरफ। हाँ अभी हम अपने घर की तरफ चलते हैं। भाई तू तो कह रहा था बैंक वो लूटने वाला काम वगैरह वगैरह, अबे यार उसका बाद में कलते हैं, रात हो रही है, सुबह के टाइम चलेंगे, अभी सुबह प्लानिंग करनी है हमने। तो मैं घर की तरफ चलता हूँ सीधा, एक मैं लाइटें ऑन कर लूँ। हाँ तो हमने लाइटें ऑन कर ली, तो अभी हम निकलते हैं भाई। चल यार चल फिर अपने घर की तरफ चल, मैं एक मिनट जीपीएस पे लोकेशन लगा लूँ। हाँ ठीक है लगा ले। भाई तू बड़ा हैरान हो जाएगा मेरा नया घर देख के। चलो भाई देखते हैं फिर तेरा घर कैसा है। यार तूने तो बड़ी अच्छी मॉडिफाई करवाई है, फुल लिबर्टी किट लगवाई है तूने इसके ऊपर। हाँ यार बड़ा पैसा लगा यार, लिबर्टी सिटी से लगवाया मैंने इसका पूरा लिबर्टी वॉक किट। ये तकरीबन 60,000 का मिला है मुझे लिबर्टी वॉक, बड़ा सस्ता मिल गया, वरना तो लाख का मिलता है, 1,00,000 का ये किट पूरा। मैंने इसके अंदर टर्बो वगैरह लगवा दिया है, मतलब फुल मॉडिफाई करवाई है यार तेरे भाई ने। हाँ यार मुझे नजर आ रहा है कैसी मॉडिफाई करवाई है, और तूने नीचे लाइट भी लगवाई है जीनोन वाली। हाँ यार बड़ा पैसा लगा है इसके ऊपर। चलो अभी चलते हैं हम घर की तरफ, वैसे भी यार बड़ा सफर किया तो मुझे नींद बड़ी आ रही है। हाँ हाँ मैं तुझे अभी घर पे चलते हैं, वहाँ पर अभी हम सोएंगे, सुबह उठेंगे और प्लानिंग करेंगे। हाँ यार वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ यार, बहुत सफर किया है मैंने अभी इन 2 दिनों में। हाँ यार चलो भाई थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बस हम। कितना दूर है? बस यार या हाईवे के पास जो सी दूसरी कुबरी, या हाईवे के पास बस दूर नहीं है, हाईवे के पास जो सी दूसरी कुबरी नहीं है वहाँ पर है। अच्छा ठीक है भाई। फ्रैंकलिन हाँ क्या हुआ? भाई तेरा पेट्रोल ना आधा हुआ है, मैं कहता हूँ भरवा ले। चल ठीक है यार पेट्रोल भरवा ले। चलो ठीक है फिर मैं पेट्रोल भरवाता हूँ अभी ज़रा। और फ्रैंकलिन उठ, तेरी आँख लग गई। क्या हुआ भाई? पहुंच गए हम घर, चल उठ जा अंदर जाके सोई अब। अच्छा ये है तेरा घर? हाँ ये है मेरा घर, अभी दरवाजा खुलने दे फिर तुझे दिखाता हूँ नीचे से। मैं यार सुबह देखूंगा, अभी तो मैं बड़ा थका हुआ हूँ। कोई बात नहीं अभी बाहर से बस देख ली। हाँ बाहर से मैं देख लूंगा। ओ भाई साहब तूने तो घर ही बड़ा अच्छा बनवाया है, बड़ा प्यारा घर है यार माशाल्लाह। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। तो अभी हम क्या कहते हैं सोने चलते हैं, फिर आप क्या कहते हैं बात करते हैं बाकी सुबह। तो ये है मेरा नया घर, मैंने अभी मंगवाया है, 50 करोड़ का है ये। भाई तूने, भाई पैसे हैं तेरे पास? भाई मैंने अभी एडवांस में उसको 10 मिलियन दे दिए, बाकी पैसे उसको देने हैं, तो वो क्या कहते हैं कल बात करेंगे उसके बारे में। उसी की वजह से तो मैं ये कर रहा हूँ अभी, जो काम कराने के लिए बोला है मैंने। अच्छा ठीक है यार चल आ जा। अच्छा ठीक है चल आ जा मेरे साथ, तुझे सुनाने लेके जाता हूँ जगह में। The next day. हाँ भाई फ्रैंकलिन हो गई सुबह। हाँ हाँ यार तूने इतना जल्दी उठा दिया मुझे, भाई उठना पड़ता है इतना जल्दी। ठीक है तो अभी तू मेरे पीछे है, गाड़ी में बैठ के प्लानिंग की बात करते हैं। ठीक है मेरे पीछे पीछे आ, चल बैठ गाड़ी में, निकलते हैं यहाँ से अभी हम। हाँ आ रहा हूँ यार इतनी जल्दी उठा दिया, नाश्ता भी नहीं करवाया तूने मुझे। अरे करवा देता हूँ यार, सब्र कर ले, क्या हो गया, होटल में खाते हैं खाना जाके अभी। अच्छा ठीक है चल भाई फ्रैंकलिन अब बात करते हैं प्लान के बारे में, खाना मैं लेके जा रहा हूँ तुझे होटल में, लेकिन उससे पहले प्लान के बारे में सारा बात कर लेते हैं। हाँ यार पता क्या प्लान है बैंक लूटने का? भाई प्लान ये है कि भाई तो हमने ना तेरा काम होगा, तूने सारा क्या कहते हैं पेडेस्ट्रियंस को फंसा के रखना है, ठीक है उनको डरा के रखना है, ताकि वो कोई पुलिस वालों को कॉल ना कर दें, पुलिस वालों को तो फिर भी पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम सुकून से लूट ले सारा। तेरा काम यही होगा, मैं अंदर से जाके सारा क्या कहते हैं वॉल्ट खोल के हैक करके उसको क्या कहते हैं ले आऊँगा सारा पैसा, और उसके बाद 2-4 दिन
तो उसके बाद हम 2-4 दिन तक ना मतलब चुप रहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, और उसके बाद हम एक दूसरे को पैसा बांट देंगे और बस। ये प्लान है, सिंपल सा प्लान है, ठीक है। अब इस प्लान के ऊपर सही से अमल करना है भाई। तूने बस एक ही काम है, तूने प्रोटेस्टेंट्स को ऊपर गोली के ऊपर रखना है, तूने उनको तूने बस डरा के रखना है, मतलब हिले ना अपनी जगह से। हाँ यार बड़ा आसान काम लग रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं, हो जाएगा ये काम। और भाई तूने ट्रेवर का बताया नहीं मुझे, ट्रेवर क्या, तू तो कह रहा ट्रेवर भी आएगा। अबे यार मैंने उसको फ़ोन किया था, वो कहता था मैं लिबर्टी सिटी से सफ़र करके आ रहा हूँ, मैंने बहुत सफ़र किया, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मैं आ नहीं सकता, तो बाय भाई मैं बाद में मिल जाऊँगा तुम लोगों से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर उसे रेस्ट करने, तो बड़ा थका होगा वो, लिबर्टी सिटी का सफ़र भी 4 घंटे का होता है। हाँ यार तूने सही कहा। तो अभी हम क्या कहते, तुझे प्लान का तो पता लग गया ना पूरा? हाँ हाँ, मैं तुझे रिपीट कर देता हूँ। तूने कहा कि मैंने पेडेस्ट्रियन को बस उनके बंदूक में नोक में रखना है, और बस उनको फंसा के रखना, उनको हिलने नहीं देना, पुलिस को कॉल नहीं करने देनी, और बाकी तेरा काम होगा वॉल्ट में जाके सब कुछ करना, और उसके बाद 2-3 दिन तक ठंडा रहना है पुलिस से बचने के लिए, और उसके बाद ख़त्म बस काम। हाँ हाँ तूने बिल्कुल सही सुना। तो भाई बातों बातों में हम पहुँच गए अपने होटल में भी, तो भाई यही प्लानिंग है। तो अभी हम खाना खाते हैं और सीधा निकलते हैं बैंक लूटने। ओके आजा आजा, यहाँ पर बड़ा प्यारा हो रही होटल है, मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई सब कुछ मिलेगी तुझे। अरे वाह वाह क्या बात है यार। हाँ हाँ मेरे साथ आ, बड़ा मज़ेदार खाना है इस होटल वाले का, आ जा मेरे साथ आ जा। अबे यार माय फ्रैंकलिन शर्म कर। अबे यार इतना मज़ेदार खाना था यार, चला बा चलते हैं यहाँ से, बड़ो तो हो गया तेरा खाना शाना, चल मेरे पीछे आ। मैं इतना मज़ेदार खाना यार, मैं तो बाद में भी दोबारा आऊँगा इधर। चल अब चुप कर जा, चल चलते हैं अब हम, मैं सीधा लेके जा रहा हूँ उधर बैंक में। हाँ लेके चल तू, हम तैयार हैं। गोलियाँ शोलियाँ तूने ले ली है ना अपने साथ, लेके आया था ना गोलियाँ? यार क्या तू क्या मसला है यार, तुझे डिक्की में रखी हुई है मैंने सारी गन्स। ओके ओके, तभी मैं पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक का क्या कहते हैं निशान लगा रहा हूँ, और अभी हम सीधा चलेंगे उधर उस बैंक को लूटने। भाई मैंने GPS में निशान लगा दिया, और भाई मैं प्लान दोबारा बता दूँ, ध्यान रखना है, पुलिस वालों से दूर रहना है, हमने भागना है सीधा, इसलिए मैंने तेरी GTR लेके आया हूँ। मैं अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस भी ले सकता था, लेकिन तूने कहा तूने इसको फुली मॉडिफाई करवाया, तो ये तेज़ भी है। ओके यार कोई मसला नहीं, मैंने सही समझ आ गई तेरे प्लान की, तू बस लेके चल। चल फिर ठीक है यार, मैं लेके चलता हूँ तुझे सीधा। तो भाई भाई हम बैंक में पहुंच गए बहुत आराम से, अभी ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे हम नॉर्मल आदमी है। मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़े करता था, हमने सीधा भागना है, यहाँ से गाड़ी पकड़नी और सीधा भाग जाना है, ठीक है? मैं गाड़ी यहाँ खड़ी करता हूँ, भाई निकल अब यार। तू फिक्र ना कर यार, मैं तू मेरे पर भरोसा नहीं करता, तेरा भाई नहीं हूँ मैं यार तेरे पर भरोसा। भाई यार बस डर लगता है यार, पुलिस तो पकड़ ले यार। कोई नहीं यार, मैं मेरे पर भरोसा रख। चल ठीक है फिर, अपनी गन्ने निकाल ले, चल 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 चल। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस, अभी हम क्या कहते हैं बैंक लूटने लगे हैं। निकल निकल, उसको भी मारना पड़ेगा हमें। फ्रैंकलिन तो तैयार है ना? हाँ हाँ, मैं क्या कहते मार रहा हूँ लोगों को। अरे नहीं नहीं नहीं, अबे यार इसने बजा दी बेल, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ए चल, हमें थर्मल लगाना पड़ेगा, मैं लेके आऊँ सारा सामान लेके आऊँ। फ्रैंकलिन तू तो ध्यान रख। हाँ हाँ मैं रख रहा हूँ, यार जानते क्या तू। ओ भाई चल 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 चल। ओके ओके ये हो गया, काम हो गया, पहला काम हो गया, चल चल चल। यहाँ पर भी हमें एक सर थर्मल लगाना पड़ेगा। गाइस मैं पहले से ये चीज़ें लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये लोग ऐसे ही करेंगे। एक मैं की खैरियत नहीं करता, तुम लोगों ने ऐसा किया ही क्यों है? किया ही क्यों तुम लोगों ने ऐसा? तुम लोगों ने ऐसा किया ही क्यों? क्यों किया, क्यों किया तूने? फजूल अरे फजूल, अलार्म बजाना जरूरी था, अलार्म बजाना जरूरी था, अलार्म बजाना जरूरी था, फजूल। गाइस अब हम जल्दी से नीचे जा रहे हैं, हमें वॉल्ट ढूंढना होगा, वॉल्ट यहाँ पर ही कहीं होगा। ओके गाइस हमें वॉल्ट मिल चुका है, हमें इस वॉल्ट को हैक करना होगा खोलने के लिए। फ्रैंकली तू सही चल रहा है ना सब कुछ? हाँ मैं सही चल रहा हूँ, तू आगे चल चल चल। ओके ओके गाइस हमें अभी हैकिंग सिस्टम करना होगा। मैं लेस्टर से पहले बात की थी, लेस्टर ने मुझे हैकिंग सिस्टम दिया था यार। ओके अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन हमारा हो गया। ओके हमें डाटा सिस्टम हैक करना होगा, बहुत मुश्किल लग रहा है ये तो। ओके हमें सिस्टम क्रैक करना होगा, मैं अभी सिस्टम सारा क्रैक कर रहा हूँ, और ये मतलब होने वाला है, बस होने वाला यार। हमारे पास सिर्फ 3 ट्रैक। ओके हमने हैक कर लिया, वाह भाई शुक्र है यार, हमने हैक कर लिया, सारा सिस्टम हैक कर लिया। अभी जल्दी से लूटे चलते हैं। यस हमारा वॉल्ट डोर खुल गया, हम माला माल होने वाले हैं। फ्रैंकलिन वॉल्ट डोर खुल गया, मुबारक हो यार, मुबारक हो यार, मुबारक हो। बस बस मैं आखिरी दरवाजा खोल रहा हूँ, तू बस इधर संभाल के रख। हाँ मैं संभाल रहा हूँ संभाल रहा हूँ, तू लेके चल। ठीक है ठीक है, थर्मल सा भी सारा स्टील जा कहते पिघल जाएगा।
भाई ये तो बड़े आले हैं यार, सारी स्टील पर तोड़ देते। ओके ओ भाई वो देखो पैसा, ला भाई पैसा 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 मैन पैसा। ओके चल 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 पैसे रख सारे, फ्रेंकली भी सारे पैसे रख रहा हूँ, तू बस ध्यान रख। हाँ मैं ध्यान रख रहा हूँ, चल चल चल। ओ भाई साहब चल चल चल। ओ भाई हम तो माला माल, ओ भाई 1 मिलियन होने वाले हैं पैसे हमारे पास। ओके ओ भाई क्या पैसा ही पैसा है भाई, पैसा ही पैसा है, आए हाय मजा ही आ गया भाई। फ्रेंकली फ्रेंकली तू निकल निकल निकल, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू जल्दी आ जा, मैं निकल गया गाड़ी की तरफ। हाँ मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। ओ भाई सब पुलिस इतनी सारी हो गई है, ओ भाई चारों तरफ से घेरा कर लिया हमें। ओ माय गॉड गाइस अभी हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फ्रैंकलिन तू निकल गया ना? हाँ मैं निकल गया हूँ, तू बस जल्दी से निकल यहाँ से, मैं निकल जाऊंगा, तू फिक्र ना कर। ओ माय गॉड गाइस, ओ भाई तू इधर क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत बंदे आ गए, पुलिस तो भरी पड़ी है। एक मिनट सारों को मैं भी सारों के हेडशॉट मारता हूँ, किधर सारों के हेडशॉट मारता हूँ मैं। ओ भाई निकल निकल, ओ भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। ओ माय गॉड बम्पर गया तेरा, ओ माय गॉड भागना पड़ेगा फ्रैंकलिन भाई, पैसे तो मिल गए लेकिन भाई हमें भागना पड़ेगा अभी बहुत जल्दी। ओ माय गॉड अरे भाई भाग भाग भाई, बहुत पुलिस पड़ गई हमारे पीछे, हमने तो सोचा नहीं था इतनी पुलिस आएगी। ओ माय गॉड पुलिस तो हमारे पीछे ही पड़ गई, आर्मी हमारे पीछे है भाई पूरी। ओ भाई यार बहुत पुलिस पड़ गई, निकाल दे गाड़ी यहाँ से जल्दी। मैं निकाल रहा हूँ पुलिस से बच जाएंगे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। अबे नहीं यार भाई हम शुक्र है बच गए पुलिस वाले से। यार यार तूने तो मेरी गाड़ी की हालत खराब कर दी, कल ही तो मैंने ठीक करवाई थी सारी, नहीं बनाई थी। अबे यार तेरे पास इतने पैसे आ गए, अब तू कह भी कह रहा है कि तेरी गाड़ी खराब हो गई, अभी ठीक करवा देते हैं। अरे यार मेरी गाड़ी तो तूने पूरी ठीक करवा दी, वाह ही वाह यार, हम तो माला माल हो गए यार, मजे करते हैं अब हम। हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, 50 मिलियन नहीं 60 मिलियन भी नहीं 80 मिलियन भी नहीं, हमारे पास है पूरे $120 मिलियन। ओ बे यार क्या ही बात है यार, माला माल हो गया माला माल, ओए 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 भाई मतलब मजा ही आ गया, माला माल माला माल। लेकिन अभी हम कोई भी इस पैसों से चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि अभी हमें ठंडा रहना होगा, हमें पुलिस वाले हर जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कोई अपना कहते ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी हमने। हाँ हाँ तू फिक्र ना कर, मैंने तो अभी बोलना भी नहीं कि मेरे पैसे हैं। अभी यार चलते हैं तेरे घर की तरफ। हाँ हाँ आजा चल मेरे साथ चलते हैं, बल्कि एक काम कर, एक काम करता हूँ मैं तुझे घर में छोड़ता हूँ, तू घर में जाकर मेरा ठीक है, बल्कि तू ना मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ ओके, और तेरी सुपरा भी मैं ले आता हूँ ओके। यार तेरा बहुत शुक्रिया यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं आ गाड़ी में बैठ, तुझे तेरे घर छोड़ के आऊँ। तो गाइज मैं अभी टैक्सी लेके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ ठीक है, और भाई ये है इसकी JDM की सुपरा यार, मतलब कितनी प्यारी सुपरा भाई, आज तो हम माला माल हो गए। तो भाई ये है इसकी सुपरा, ये भी इसने लिबर्टी सिटी से अब मॉडिफाई करवाई है, बम्पर शम्पर इसने नहीं लगवाए हैं। और भाई ये देखो यार ये निशान GTR निस्मो, ये वैसे फ्रैंकलिन की नहीं है किसी और की है, मैं सोच रहा हूँ मैं ये उठा के ले जाऊँ। तो गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना भाई, जवाब चाहिए मुझे, मुझे नहीं पता मुझे जवाब चाहिए क्या मैं ये निशान GTR चुराऊं कि नहीं, मतलब ये यहाँ पर ही खड़ी है, मैंने इसके बारे में बात की थी, यहाँ नीचे एक बंदा रहता है, वो कहता है कि ये गाड़ी एक हफ्ते के लिए इधर ही खड़ी है, किसी के आदमी की है, वो अभी यहाँ पहुँचा नहीं है ओके। तो भाई तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं ये GTR चोरी करूँ कि नहीं, वरना हम अपने पास रख लेंगे उसको, हम क्या कहते हैं रॉकेट बनी किट लगवाएंगे, क्योंकि अब हम कॉपी तो नहीं कर सकते फ्रैंकलिन को, तो इसलिए हम इसके अंदर रॉकेट बनी किट लगवाएंगे। तो अभी तो हम इसकी सुपरा लेके फिरते हैं, और भाई मेरा भी दिल कर रहा है यार मैं एक सुपरा खरीदूँ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक मैं ना जापान से ना एक सुपरा इंपोर्ट करवा लूँ, लेकिन अभी नहीं, पैसे जब मतलब 2-3 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा तो मैं अपनी सुपरा एक मंगवाऊँगा स्टॉक ठीक है। तो भाई देखते हैं फिर इधर ही इसकी डिलीवरी होगी, क्योंकि भाई ये मेन पॉइंट है, ये पार्किंग है जहाँ पर सारी मतलब गाड़ियाँ आती हैं दूसरे मुल्कों से। तो भाई यार मैं भी इंपोर्ट करवाऊँगा, बड़ी आली सुपरा है, मैं भी उसके ऊपर क्या कहते हैं रॉकेट बनी किट की मॉडिफिकेशन करवाऊँगा। तो भाई मतलब मैं इंपोर्ट जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं भाई फ्रैंकलिन को उसकी गाड़ी देके आते हैं। भाई वैसे बड़ी अच्छी है, इंटीरियर शरीर देखते हैं ज़रा, इंटीरियर भी स्पीडोमीटर सब कुछ अच्छा है बड़ा यार, लेकिन अभी हम चलते हैं भाई, अभी उसको गाड़ी देके आनी है, फिर मतलब हम चलते हैं अपनी घर की तरफ। लो जी भाई ये इसकी गाड़ी आ गई, भाई इतना अंधेरा है इसके घर की तरफ, मैं तो जा रहा हूँ रोशनी की तरफ। भाई मैं फ्रैंकलिन जा रहा हूँ, मुझे काम है। हाँ यार जा जा कोई बात नहीं भाई। गाइज अभी मैं क्या कहते हैं एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, अभी एक टैक्सी लेकर ना उधर ही वापस जाता हूँ, वहाँ पर मेरी लैम्बोर्गिनी यूरस भी खड़ी होगी, तो मैं वहाँ से लैम्बोर्गिनी यूरस लेकर सीधा घर पास भागता हूँ।
तो गाइज मैंने अभी अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस पकड़ ली और भाई भी मैं जाने लगा सीधा अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बज रहे हैं, तो अभी हमें अपने घर में पहुंचना है जल्दी। तो अभी मैं जीपीएस में लोकेशन लगाता हूँ, ये हमारी जीपीएस पे लोकेशन लग गया और अभी मैं चलता हूँ सीधा घर की तरफ। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर में वापस, और भाई आज का दिन तो बड़ा ही मतलब मज़ेदार था भाई। आज हमने अपने 120 मिलियन डॉलर मेरे पास आ गए, मेरा पेट्रोल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तभी हम अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं आराम से। और भाई आज फ्रैंकलिन से भी हमने बात किया, हम उससे मिले, उसके साथ हमने अपना काम किया, तो भाई बड़ा मज़ा आया आज। अभी मैं जल्दी से घर में चलता हूँ भाई, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा हुआ है अभी, तो आ गए हम अपने अपने सुनहरे घर में। तो गाइज आई थिंक आज के एपिसोड को इधर ही खत्म करना चाहिए। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड हैव अ नाइस डे माय बॉयज।